दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे आप अपने स्केचर में जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें आप लॉगिन या फिर साइनअप का फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाने के लिए आपको अपने ऐप में स्केचर एप्लीकेशन में आपको फायरबेस से कनेक्ट करना होता है एंड वहाँ पर आपको सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है, डेटाबेस या फिर यूजर आइडेंटिफिकेशन आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मैंने पिछले वीडियो में अकाउंट बनाने सिखाया था फायरबेस का अकाउंट कि आप कैसे बनाएंगे, एंड स्केचर में मैंने सब कुछ बता दिया है कि आपको कैसे क्या करना है। तो उसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल में और भी इसी तरह के एडवांस टाइप के वीडियोज़ आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको और भी एक नई बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारा एक अर्निंग तो चल ही रहा है सीरीज में, लेकिन और भी एक नया अर्निंग ऐप आने वाला है जो कि Money28। मैं आपको इसकी थोड़ी सी टूर लेके चलता हूं। तो ये हमारा Money28 ऐप जो कि आप इसे स्केचर में भी बना पाएंगे एंड इसे ऐप क्रिएटर में भी बना पाएंगे। तो ये हमारा अभी अर्ली एक्सेस में है एंड अभी ये पेंडिंग में है, इसका इसके ऊपर काम चल रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये कुछ टाइमर जैसा रहेगा एंड टाइम पूरा होते ही कुछ बटन्स आएगा और बटन पर क्लिक करते हैं यूज़र नेक्स्ट पेज पर जा पाएगा एंड टास्क कंप्लीट करने के लिए इसे एड देखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करता है तो उसके स्क्रीन पर एड आएगा एंड एड के बाद वो नेक्स्ट पेज पर जाएगा, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। तो अभी ये ऐप अर्ली एक्सेस में है तो इसे मैं लेके आऊँगा। एंड ये कूल म्यूज़िक प्लेयर ऐप ये भी आने वाला है बहुत जल्दी रिसेंट में, तो आप भी इसे स्केचर में भी बना पाएंगे एंड ऐप क्रिएटर में भी बना पाएंगे। तो इसमें फिलहाल मैंने ऐड भी इनपुट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं ऐड भी आ रहा है एंड यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा स्टार्ट करेंगे तो। फिलहाल ये ऐप क्रिएटर में बना हुआ है, मैं आपको बताऊँगा, और इसे आप स्केचर भी बना सकते हैं। अगर आप म्यूज़िक प्ले करते हैं तो यहाँ पर म्यूज़िक प्ले भी होगा एंड लाइक कर सकते हैं, इसके साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसके बाद लूप कर सकते हैं और या फिर इसे राउंडिंग सर्कल वाला ये जो फंक्शन है वो लगा सकते हैं, इसे डार्क मोड में कर सकते हैं, तो बहुत सारा फंक्शन है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले करता हूँ ऐसा कि कॉपीराइट ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं म्यूज़िक भी प्ले हो रही है, मैं ज़्यादा नहीं बजाऊँगा क्योंकि यहाँ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी मुझे। तो यहाँ पर इन सारे एप्लीकेशन के भी मैं लेके आने वाला हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इन सारे एप्लीकेशंस को ऐप क्रिएटर में बनाना चाहते हैं या फिर स्केचर में बनाना चाहते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, जिसकी वोटिंग अधिक होगी मैं उसी पर ऐप बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको ब्राउज़र में जाना है, आपने किसी भी ब्राउज़र में जाने के बाद आप यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे एंड यहाँ पर जो आपने अकाउंट में बनाया है पिछले वीडियो में आई बटन में उसका लिंक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अकाउंट जिसमें बनाया है आपने वही अकाउंट आप लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पर जाना है firebase.console लगाना है इसके पहले आपको, तो फिलहाल मैं इसे कट करता हूँ एंड console.firebase.google.com इतना आपको सर्च करना होगा। इसके बाद जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पर फायरबेस खुल जाएगा एंड कुछ टाइम ये लोडिंग लेगा और इसके बाद आपका ये खुल जाएगा। तो मैंने अर्निंग ऐप का जो प्रोजेक्ट बनाया था इसी प्रोजेक्ट में आपको इंटर करना है इस पर क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके स्क्रीन पर यहाँ ड्रावर जैसा ओपन होगा, तो इस ड्रावर में आपको जाने के बाद यहाँ पर पहले आपको जाना है डेटाबेस में एंड डेटाबेस में जाने के बाद आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे तो थोड़ा टाइम ये लोडिंग लेगा एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रिएट डेटाबेस का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा एंड इसके कुछ सेटिंग्स हैं तो सेटिंग को मैं बताऊंगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है, स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड और स्टार्ट इन टेस्ट मोड। अगर आप टेस्ट मोड में अभी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आप हमेशा टेस्टिंग मोड में ही काम कर पाएंगे, इसलिए स्टार्ट प्रोडक्शन मोड में आप डायरेक्ट काम करिए ताकि आपको बाद में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद अब आपका यहाँ पर आ जाएगा क्लाइड फायर स्टोर लोकेशन। आपको यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन आएगा, लेकिन पहले वीडियो में ही हमने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया था, इसके बाद हमें डन कर लेना है। तो अब यहां पर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है एंड आप देख सकते हैं यहां पर अर्निंग ऐप जो है हमारा उस ऐप का पैकेज नेम है, प्रोजेक्ट नेम है अर्निंग ऐप असिस टेक्नोजोन। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां तो हमारा डेटाबेस बन चुका लेकिन इसके बाद हमारा जो ये क्लाउड फायर स्टोर है लेकिन हमें जाना है रियल टाइम डेटाबेस में। तो रियल टाइम डेटाबेस में हम जाएंगे तो यहीं पर हमारा जितना भी डेटाबेस होगा जैसे यूज़र का लॉगिन, यूज़र का साइन अप, यहां पर सारा सब कुछ रहेगा। लेकिन यहां पर अब क्या करना है, आपको रूल लगाना है क्योंकि ये नल है, तो जब तक आप इसे एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आपका डेटाबेस में डेटा नहीं आएगा। तो इसके रूल्स में जाना है आपको एंड रूल में जाने के बाद आपको एडिट रूल्स करना है। एडिट रूल्स आप जैसे करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन रीड एंड राइट का, तो रीड का मतलब हो गया कि आप इसके डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये रीड करने के लिए आपको फॉल्स किया गया है, तो फॉल्स को आप ट्रू कर लीजिए। तो फिलहाल मैं इसे इरेज करता हूँ एंड TRUE, ट्रू का स्पेलिंग आपको यही रखना है, ट्रू TRUE। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, फिर मैं इसे करता हूँ TRUE, ट्रू। इसके बाद अब आपको इसे बैक करना है एंड ट्रू पर क्लिक कर देना, तो आपका ये ऐसे
ट्रू हो गया। एंड इसके बाद अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन ऊपर में पब्लिश का, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ क्लिक करते हैं ये हो जाता है, रूल आपका पब्लिश हो जाता है, दोनों सब कुछ ट्रू हो जाता है। इसके बाद अब आप यहाँ पर इसके यूजर्स देख सकते हैं कि आपका स्टोरेज में कितना डेटा यूज़ हुआ है। फिलहाल अभी तो हमने डेटाबेस क्रिएट ही किया है, तो यहाँ पर आपको कोई भी डेटा नहीं दिखेगा। तो फिलहाल आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। एंड अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर डेटाबेस के बाद ऑथेंटिकेशन पेज पर, क्योंकि हमें यूज़र का लॉगिन करना है। तो यूज़र लॉगिन तभी करेगा जब हम ऑथेंटिकेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, साइनअप मेथड आपको सेलेक्ट करना है नीचे में बटन पे। तो सेट अप साइन इन मेथड करिएगा तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा सारा कुछ ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ईमेल, फ़ोन, गूगल, सब कुछ है, बहुत सारा चीज़। लेकिन फ़िलहाल स्केचवेयर में आप ईमेल या फिर फ़ोन का ऑप्शन डाल सकते हैं और गूगल का भी ऑप्शन डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ईमेल वाला एक्टिवेट करने वाला हूँ। तो ईमेल को आपको इनेबल करना है एंड यहाँ भी आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपको सेव कर लेना है। जैसे आप इसे सेव करते हैं तो अब ये पूरा इनेबल हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एनाउंस जो डाटा है नीचे वाला सबसे, इसको भी आपको इनेबल कर लेना होता है। तो आप इनेबल करके सेव करेंगे तो अब आपका यहाँ पर डेटाबेस में ऑथेंटिकेशन में ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आप यहाँ पर इसके रूल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं कि अब आपका ये जो रूल है वो कैसे होगा, कि वन अकाउंट पर ईमेल एड्रेस होना चाहिए या फिर अनदर अकाउंट। तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंज करेंगे तो यहां पर सब कुछ आ जाएगा कि आप यहां पर ऑप्शन मिला है आपका प्रिवेंट कलेक्शन क्रिएटन ऑफ मल्टीप्लिकेशन अकाउंट विद द सेम ईमेल एड्रेस। मतलब इसमें क्या होगा कि एक ही ईमेल आईडी से यूज़र एक ही अकाउंट खोल पाएगा, दूसरा अकाउंट नहीं है। और यहाँ पर आप जैसे इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो अलाउ एक्सेस टू मल्टीपल अकाउंट, मतलब कि यहाँ पर आप कोई भी मल्टीपल अकाउंट से, एक ही अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट खोल सकता है। उसका पासवर्ड अलग अलग रहेगा, तो वो कभी कोई पासवर्ड कभी कोई पासवर्ड, तो अकाउंट में चेंजिंग हुआ तो यूज़र को प्रॉब्लम आएंगी एंड आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपका ऐप क्रैश हो, सर्वर क्रैश हो सकता है। तो आपको यहाँ पर इसे सेव कर लेना है एंड यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ ऐसे ही छोड़ देना है। आप मैनेज साइनअप कोटा भी यूज़ कर सकते हैं कि एक घंटे में कितने लॉगिन होना चाहिए। फिलहाल 100 लॉगिन तो अभी काफ़ी है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक घंटे में इतना नहीं होगा। अगर यूज़र ज़्यादा हो जाएंगे तो आप इसे बढ़ा लीजिएगा बाद में। इसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, टेम्पलेट्स वगैरह सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर टेम्पलेट्स में आपको यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या जाना चाहिए। तो वेरीफाई योर ईमेल और आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप प्रोजेक्ट नेम को एडिट कर पाएंगे। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम को आपको इरेज कर लेना है। यहाँ पर आपको अर्निंग ऐप डाल देना है, क्योंकि अर्निंग ऐप आप ऐसा डालें इसलिए डालेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको इसलिए नहीं, इसलिए आपको डालना होगा क्योंकि यूज़र का ये पब्लिक फेसिंग नेम हो जाता है। जैसे मेल आता है तो आपको वहाँ पर यूज़र को दिखा देगा कि ये मेल आईडी से आया हुआ है। अब आपको यहाँ पर यूज़र ईमेल नेम, यहाँ पर ऐप नेम आ गया। इसके बाद अब आपको यहाँ पर सेव कर देना। तो जैसे यहाँ पर सेव करते हैं तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ सेव करने के बाद। ओ यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ सेलेक्ट ईमेल एड्रेस, तो आपको ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है जो आपका ईमेल एड्रेस है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर सेव करना है, तो सेव कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर कि सब कुछ आ गया, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस फॉर अर्निंग ऐप आ गया ना। तो यहाँ से सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर हेलो डिस्प्ले नेम, मतलब यूज़र का नेम आएगा। इसके बाद ऐसा कुछ लिंक बन के जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करेगा तो उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में आ जाएगा थैंक्स योर अर्निंग ऐप टीम, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, बैक हो जाना है यहाँ से, और बैक होने के बाद ये आपका ईमेल एड्रेस का वेरिफिकेशन होगा। एंड पासवर्ड रिसेट में भी आप ऐसे ही करके सेट कर सकते हैं एंड यहाँ पर ईमेल एड्रेस चेंज करने के टाइम में भी ऐसे आप सेट कर सकते हैं। ये एसएमएस वेरिफिकेशन के लिए है, लेकिन फिलहाल हम एसएमएस वेरिफिकेशन मेथड नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा अब ये ऑथेंटिकेशन पेज भी कम्प्लीट हो चुका है एंड अब हम जा करके स्केचवेयर में कोई भी यहाँ पर जो भी लॉगिन या साइनअप का सिस्टम हो, अब इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमें कैसे बनाना है और क्या करना है। तो आई होप, तो देन आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट में ये बताइए कि आपको ये दोनों जो एप्लीकेशन है, ये दोनों एप्लीकेशन ऐप क्रिएटर में बनाना है या फिर स्केचवेयर में। जिसकी वोटिंग अधिक होगी उसी पर पहले ऐप बन के जाएगा। हालांकि जाएगा दोनों ऐप पर बन करके, दोनों में स्केचवेयर और ऐप क्रिएटर दोनों में, लेकिन पहले की बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।